I want you to show me how to get to know someone like you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गर्मियों में लगाए जाने वाले ऐसे पांच पौधे, ऐसे पांच फूलों वाले पौधे जो कि पूरी गर्मी बरसात ढेरों फूल देंगे और साथ ही साथ हमारे गार्डन को खुशबूदार बना के रखेंगे। ऐसे पाँच फूलों वाले पौधे के बारे में मैं आपको बताऊँगी जो कि अच्छी फ्लावरिंग तो देंगे ही साथ ही साथ जब भी उसमें फ्लावरिंग हो, आपका टेरेस गार्डन हो, बालकनी गार्डन हो या फिर है आपका आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी खुशबूदार हो जाता है। बहुत ही अच्छी सी एक सौंधी सी सुगंध चारों ओर फैल जाती है जब उसमें फ्लावरिंग होती है। तो जिन दोस्तों को फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर लगाना बहुत पसंद है या वो सोच रहे हैं कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें अच्छी फ्लावरिंग भी हो और अच्छे फ्रेग्रेंस भी हो, तो उनके लिए आज का मेरा ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि अभी आने वाले जो ये गर्मियों का सीज़न है नर्सरी से बहुत ही आसानी से इस टाइम मिल जाता है ये प्लांट। और साथ ही साथ अगर आपके आसपास कहीं ये प्लांट दिखे तो आप कटिंग से भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेग्रेंस वाले प्लांट में से सबसे पहले हम बात करेंगे इस मधुकामनी प्लांट के बारे में। आप देख पा रहे होंगे कि मधुकामनी के प्लांट में मेरे ग्रोथ स्टार्ट हो रखा है। इस टाइम विंटर सीजन में ये प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है और पूरी गर्मी बरसात मार्च के महीने से ले कर नवम्बर तक इसमें अच्छी से अच्छी फ्लावरिंग होती है। और आप देख रहे हैं अभी मार्च स्टार्ट ही हुआ है जिसमें मेरे इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होने लगी है। तो इस टाइम इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जैसे देखिए ग्रोथ चल रही है लेकिन साथ में फ्लावरिंग भी हो रही है। तो बहुत ही अच्छा और खुशबूदार फूलों वाला प्लांट है ये। जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो पूरे एनवायरनमेंट में खुशबू फैल जाती है और मतलब आप अगर इसे टेरेस पे लगा रखे हैं तो जैसे ही आप टेरेस पे एंट्री करेंगे आपको इसकी खुशबू महसूस होने लगेगी। इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है और काफ़ी दूर तक इसकी खुशबू फैलती भी है। तो बहुत ही अच्छा खुशबूदार फूलों वाला प्लांट है ये मधुकामनी का प्लांट। बस हमें ध्यान रखना है इस प्लांट का कि ये प्लांट हैवी फीडर प्लांट है। इस प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र देते रहना पड़ता है, फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप जैसे ही इसका ग्रोथ स्टार्ट हो वीकली आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना ना भूलें, तभी हम इसमें अच्छे से अच्छे फ्लावर पा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर में है हमारा ये मधुकामनी का प्लांट और इस प्लांट को हम कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप अगर अपने आसपास कहीं पे इस प्लांट को देखें तो आप इस टाइम ये इस प्लांट की कटिंग लाएं और लगा लें, बहुत ही इजीली ग्रो हो सकता है। तो स्प्रिंग सीजन और बारिश के मौसम में इस प्लांट की कटिंग को हम बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर में हम बात करते हैं चंपा के बारे में। चंपा का जो प्लांट होता है ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी होता है, कोई केयर करनी नहीं पड़ती है, इजीली लग जाता है ये कटिंग से। आपको इस टाइम इस प्लांट ये प्लांट नर्सरी से भी मिल सकता है। तो गर्मियों के सीज़न में फूल देने वाला ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है। जब फ्लावरिंग आती है तब इसमें बहुत ही अच्छी एक शौंधी सी खुशबू आसपास फैल जाती है। पूरी गर्मी बरसात इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो आप मेरा जो ये प्लांट देख रहे हैं एक्चुअली ये प्लांट जो है पूरी गर्मी और बरसात फ्लावरिंग करता है लेकिन विंटर सीजन में डॉर्मेंसी में चला जाता है जो कि अपनी सारी पत्तियों को गिरा देता है। और जैसे जैसे इसमें मौसम बदलता है वैसे इसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो मैं आपको दिखाऊं, देखिए तो इसमें देखिए अब नई पत्तियां आने लगी है, ग्रोथ स्टार्ट होने लगा है। बहुत ही जल्दी ये प्लांट फ्लावरिंग में भी आ जाएगा और जैसे ही ये प्लांट फ्लावरिंग में आता है फ्लावर खिलने लगते हैं वैसे ही इसके आसपास एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल जाती है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, कई रंगों में आता है। अगर आप इसे नर्सरी से लाना चाहें तो ला सकते हैं, वरना आपके आसपास कहीं अगर ये प्लांट दिखे तो आप इस प्लांट को कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं।
थर्ड नंबर में हम बात करते हैं रात रानी प्लांट के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बुश टाइप प्लांट होता है। अगर आप इसे कटिंग करते रहें तो एक बुश प्लांट का लुक ले लेता है, झाड़ी नुमा प्लांट जैसा होता है ये प्लांट। और इसमें फ्लावरिंग होती है रात के टाइम। जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो अपने आसपास का एरिया सुगंधित हो जाता है, चारों तरफ इसकी खुशबू फैल जाती है। बहुत ही अच्छी एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है इस प्लांट के फ्लावर की। तो ये प्लांट भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस टाइम नर्सरी में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। पूरी गर्मी, पूरी बरसात, मार्च के मंथ से ले के आपको नवम्बर तक इसमें फ्लावरिंग मिल जाएगी। और विंटर सीजन में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, ये डोरमेंसी में होता है। उसके बाद जैसे इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, हम थोड़ी बहुत इसकी प्रूनिंग कर देते हैं, कटाई छटाई कर देते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये फ्रेग्रेंस वाला जो प्लांट है, ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खुशबू देने वाला प्लांट और ईजिली कटिंग से लग जाता है। अगर आप अपने आस पास इस प्लांट को देखें तो पेंसिल जितनी मोटाई की स्टेम लें और इस प्लांट को आप ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर में बात करते हैं हम हर सिंगार प्लांट के बारे में, जो कि बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है। ज़्यादातर हम सभी को पता है कि हर सिंगार का प्लांट जो है, जब उसमें फ्लावरिंग आती है तो चारों तरफ खुशबू फैल जाता है। और इसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि काफ़ी दूर तक इसकी खुशबू महसूस होती रहती है, इतना अच्छा इसका फ्रेग्रेंस होता है। तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छा होता है। बारिश के टाइम इसमें फ्लावरिंग होती है और पूरे बारिश और लगभग नवंबर मंथ तक आपके इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और ये प्लांट भी आप अगर लगाना चाहें तो इस प्लांट को भी आप इसी टाइम लगा सकते हैं। इजीली नर्सरी में आपको ये प्लांट मिल जाएगा और बहुत ही हार्डी होता है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और अगर आपके आसपास ये प्लांट दिखे तो आप देखेंगे कि अभी इस वक्त इस प्लांट में ढेरों सीड बन रहे हैं और उसी सीड से आप नए न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सीडलिंग करने का भी राइट टाइम यही है। तो आप खुद से भी ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं या नर्सरी से ला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मोगरा के प्लांट के बारे में। मोगरा का प्लांट भी होता है बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला प्लांट। इसमें भी फूल आते हैं गर्मियों के सीज़न में और बारिश के मौसम में। ये विंटर सीज़न में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, पेरिनियल प्लांट है, इसीलिए डोरमेंसी में चला जाता है। और जैसे ही बाहर का मौसम स्टार्ट होता है वैसे ही इसमें ढेरों फ्लावर आने लगते हैं। और पूरी गर्मी, पूरी बरसात इसमें ढेरों फूल आते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू चारों ओर फैली हुई रहती है। तो ईजी टू ग्रो है और कटिंग से भी आप मोगरा के प्लांट को बहुत ही ईजीली लगा सकते हैं। बहुत आसान है इस प्लांट को ग्रो करना। प्लांट में हमें ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ता है पेस्ट अटैक का, कि हमारे प्लांट में पेस्ट अटैक ना हो और प्रॉपर हम इसमें वाटरिंग करते रहें तो हम अपने प्लांट को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजीली हम इन सभी फ्रेग्रेंस वाले प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक इस प्लांट को नहीं लगाए हैं तो जल्दी से जल्दी लगा ले ये पांच खुशबू वाले प्लांट, जो कि आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाएंगे, आपके गार्डन को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएंगे, काफ़ी खुशबूदार बनाएंगे और फूलों से भरे हुए रखेंगे पूरी गर्मी और पूरी बरसात। तो यही थी आज की मेरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। Okay then, bye. I want you to show me how to get to know someone like you.